देश और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर सरकार और प्रशासन चिंताग्रस्त है। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर अवगत कराया, साथ ही केंद्र सरकार से राज्यों को खुले मन से सहायता करने का आग्रह भी किया। जानिए अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या क्या कहा पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में कोरोना के कहर के चलते गुरुवार को 2 बुजुर्गों की मौत हो गई और 5 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए, तो वहीं शुक्रवार को इनकी संख्या बढ़कर 7 और शनिवार को इनकी संख्या बढ़कर 9 हो गई, जिसके बाद से प्रदेश में शनिवार को 2 नए कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 54 हो गई है। इसके बाद से सरकार और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की स्थिति को लेकर खासे चिंतित हैं, जिसके चलते सीएम गहलोत ने उच्च अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को घरों में रखने के लिए सख्ती से कार्रवाई भी करनी पड़े तो करे और आवश्यकता हो तो आर्मी की ड्रिल भी करवाए। वहीं देर रात सीएम गहलोत ने इस महामारी से बचाव तथा प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर जानकारी दी। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार से खुले मन से राज्य सरकार को सहयोग करने का आग्रह भी किया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से चिंतित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर वार्ता कर कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को बताया कि राज्य सरकार इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों, धर्म गुरुओं, सामाजिक संस्थाओं, चिकित्सा कर्मियों सहित तमाम वर्गों का सहयोग लिया जा रहा है। लॉकडाउन की सख्ती से पालना के साथ साथ जरूरतमंदों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। सीएम गहलोत ने बताया कि हमने संकल्प लिया है कि प्रदेश में एक भी व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से भूखा नहीं सोए। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि संकट की इस घड़ी में केंद्र खुले मन से राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करे। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम गहलोत को विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए राज्य सरकार को पूरा सहयोग प्रदान करेगी। इसके साथ सीएम गहलोत ने केंद्र से सहयोग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी दूरभाष पर वार्ता की। सीएम गहलोत ने शाह को राज्य सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत करवाया और आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की। इसके साथ ही संकट के इस समय में मुख्यमंत्री गहलोत ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे लॉकडाउन के चलते अपने राज्यों में फंसे राजस्थान वासियों की समुचित देखभाल करें और उनको भोजन, चिकित्सा सुविधा और रहने के लिए उचित सुविधा प्रदान करें। सीएम गहलोत ने सभी मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हम भी यहां अन्य राज्यों के फंसे हुए लोगों की उचित देखभाल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। इससे पहले सीएम गहलोत ने अपने निवास पर कोर ग्रुप वार रूम के अधिकारियों व जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक के दौरान सीएम गहलोत ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए जिला कलेक्टरों को स्थानीय स्तर पर अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ की सेवा लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार ने विधायकों को यह छूट भी दे दी है कि वे अपने विधायक कोष से सोशल वेलफेयर एवं गरीबों को भोजन व्यवस्था के लिए 100% तक राशि खर्च कर सकते हैं। मेडिकल उपकरणों के लिए विधायक कोष से वे अब 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए तक की अनुशंसा कर सकेंगे। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर व नर्सेज हाई रिस्क जोन में सेवाएं दे रहे हैं। राज्य सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। मरीजों के सीधे संपर्क में आने वाले इन चिकित्सकों एवं नर्सेज को संक्रमण से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार HCQ दवा का कोर्स दिया जाए। सीएम गहलोत ने निर्देश दिए कि 1 लाख तक की आबादी वाले नगरों में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सैंपल कलेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो। आवश्यकता होने पर जिला कलेक्टर सेवानिवृत्त चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों की सेवा भी ले सकते हैं। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्थान में फिलहाल कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या नियंत्रण में है, लेकिन यह बीमारी कभी भी भयावह रूप ले सकती है। ऐसे में प्रदेश भर में लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराई जाए, लॉकडाउन को कर्फ्यू की तरह ही लिया जाए, लोगों को घरों में रखने के लिए सख्ती से कार्रवाई भी करनी पड़े तो करे, पुलिस के आला अधिकारी भी सड़कों पर निकले और आवश्यकता हो तो आर्मी की ड्रिल भी करवाए। सीएम गहलोत ने जिला कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि वे असहाय एवं निराश्रित लोगों का सर्वे करवा कर यह सुनिश्चित करें कि जरूरतमंद लोगों तक आवश्यक रूप से मदद पहुंच सके। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने बेघर एवं बेसहारा लोगों को तैयार खाना पहुंचाने एवं जरूरतमंद लोगों तक राशन
सामग्री के पैकेट होम डिलीवरी के जरिए उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। सीएम गहलोत ने कहा कि जिला कलेक्टर इस काम के लिए होटल व्यवसायियों से सहयोग ले। होटल्स में भोजन बनाने के लिए कुक सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ऐसे में वे संकट की इस घड़ी में मददगार साबित हो सकते हैं। बता दें, राजस्थान में शुक्रवार को विभिन्न जिलों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के 7 नए केस सामने आए, जिसके चलते प्रदेश में अब भीलवाड़ा और झुंझुनू के बाद जयपुर के चारदीवारी इलाके के 10 थाना क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में गुरुवार तक कोरोना पॉजिटिव 2 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में शनिवार को 2 कोरोना पॉजिटिव और शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव के 7 नए केस सामने आए थे, जिसमें से 2 भीलवाड़ा से, 1 जोधपुर से, 2 केस डूंगरपुर और 1 जयपुर और 1 चूरू में सामने आया। इससे पहले गुरुवार को 5 पॉजिटिव केस सामने आए थे। ऐसे में कुल मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 54 तक पहुंच गई है। वहीं 309 मरीजों की जांच रिपोर्ट अभी प्रक्रियाधीन है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।